Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi dear viewers, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. I am Asad Hashmi from Pakistan, beautiful city Bahawalpur. आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा बहुत ही इजी वे से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर गुल्ले गुलजार होता है। आपको मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल बताऊंगा बहुत ही आसान से। हेल्पिंग वर्ब, इसका फर्स्ट रूल ये है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सादा सवाल या जुमलों में इमदादी फेल फिक्र के शुरू में इस्तेमाल होता है और आखिर में सवाल निशान लगता है। सवाल इंसान हमें नहीं भूलना चाहिए, सवाल इंटरोगेटिव का मायने सवालिया है, खुद सवालिया, इंटरोगेटिव का मायने है सवालिया। हमने इसकी डेफिनेशन जान ली, उसके बाद हम आते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला यानी कि इसका बनाने का तरीका, इसका बनाने का तरीका कुछ यूं है। सबसे पहले इसमें है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवाल इंसान। आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। इसका फार्मूला मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आपको जल्द समझ लगे। इसका फार्मूला सब्जेक्ट, पहले हमने ये इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवाल निशान। ये था जिसका फार्मूला। अब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला कैसे फिट करना है। फार्मूला इसी हमने यही जहन में रखना है और आगे फार्मूला फिट करते जाना है। चलें देखें कैसे फार्मूला फिट करना है। क्या मैं चाय पी रहा हूं? और एंड में सवाल निशान। अब हमने सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, इसमें सब्जेक्ट है कि आई। अब हमें सब्जेक्ट को देखना है, इसमें इमदादी फेल कौन सा इस्तेमाल होता है। अब मैं के मैंने आई है, इसके साथ इमदादी फेल इस्तेमाल होता है एम। अब हमें सबसे पहले लिखना है एम एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद अब हमें ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है। अब इसमें वर्ब ये है पीना, ये इसमें वर्ब है एम आई टेकिंग टेकिंग। अब इसमें वर्ब आ गया, आई एन जी फॉर्म भी आ गई टेकिंग। उसके बाद हमने ढूंढना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें ऑब्जेक्ट है कि चाय, इसमें ऑब्जेक्ट है ये चाय। आई एम आई टेकिंग, चाय की इंग्लिश है टी टी। उसके बाद हमारे रहते हैं सवाल निशान। अब हम डालेंगे इसके अंदर सवाल निशान। ये हो जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि। अब मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी एग्जांपल से ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके, आपके लिए मुश्किल ना पैदा हो, आपके लिए आसानी पैदा हो। उसके बाद अब इसके दूसरी मिसाल ये है कि क्या हमजा किताब पढ़ रहा है? और एंड में सवाल निशान। यह जी एग्जाम्पल। अब हमें सबसे पहले इसको सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट वाहिद है ना, वाहिद सब्जेक्ट वाहिद है, उसके साथ इज इस्तेमाल होगा, हमजा के साथ इज लगेगा क्योंकि ये वाहिद है। इज हमजा सब्जेक्ट हमजा
अब इसमें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, उसके बाद है वर्ब, इसमें वर्ब है कि पढ़ना, ये इसमें वर्ब है, इज हमजा रीडिंग, इसमें वर्ब आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है कि बुक, ये किताब, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, इज हमजा रीडिंग अ बुक, बुक और एंड में सवाल निशान, ये है जी एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल ये है कि क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, एंड में सवाल निशान। अब हमने सबसे पहले देखने इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसमें हम का मैनी है वी, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये क्योंकि ये जमा है इसके साथ और इस्तेमाल होगा, हमने सबसे पहले लिखना है और, इसमें सब्जेक्ट है वी, और वी सब्जेक्ट आ गया। अब हमने ढूंढना है कि इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब है खेलना, ये इसमें वर्ब है, और वी प्लेइंग, प्लेइंग इसमें वर्ब आ गया। अब हमने ढूंढना कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि हॉकी, और वी प्लेइंग हॉकी, और एंड में सवाल निशान। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।